चिराग पासवान अभी अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चिराग पासवान जी का बिहारियों द्वारा वहां पर स्वागत होता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान को सिडनी एयरपोर्ट पे बिहारियों द्वारा चिराग पासवान को रिसीव करते हैं लोग। और बता दें कि चिराग पासवान लगातार विदेशी भ्रमण पर रह रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि चिराग पासवान लगातार देश की संसद के द्वारा विदेशी भ्रमण पर रह रहे हैं। सूत्रों के द्वारा खबर मिल रही है कि चिराग पासवान देश की कुछ बातों के लिए वहाँ गए हुए हैं और कुछ निजी कार्यों के लिए भी चिराग पासवान वहाँ गए हुए हैं। अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि चिराग पासवान जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुँचते हैं। इसके बाद खबर आती है कि चिराग पासवान लगातार जो कि विदेशी भ्रमण पर रह रहे हैं चिराग पासवान। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय संसद जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला के तहत भी चिराग पासवान अभी कुछ दिन पहले केन्या और कई विदेशी भ्रमणों पर आए थे। इसके बाद चिराग पासवान दुबई गए हुए थे। इसके बाद आज चिराग पासवान ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। चिराग पासवान लंदन भी गए हुए थे कुछ दिन पहले। लगातार चिराग पासवान का विदेशी भ्रमण कहीं ना कहीं चिराग पासवान की काबिलियत को दर्शा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय संसद का चिराग पासवान पे भरोसा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, लगातार विदेशी भ्रमण पर चिराग पासवान को भेजा जा रहा है भारतीय संसद द्वारा, तो चिराग पासवान की काबिलियत को दर्शाता है। साथियों, चिराग पासवान जो कि भारत की सबसे युवा सांसदों में आते हैं, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चिराग पासवान है और बिहार के जमुई से चिराग पासवान सांसद हैं। तो चिराग पासवान लगातार बिहार में भी जिस तरीके से परचम लहरा रहा है और बिहार के बाद देश और विदेशी भ्रमणों पर चिराग पासवान का परचम लहरा रहा है, एक चिराग पासवान की बहुत बड़ी काबिलियत है साथियों। लेकिन चिराग पासवान आज ऑस्ट्रेलिया के संसद पहुंचते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के बाद चिराग पासवान का क्या आगे का शेड्यूल है, मैं आप सबको अपडेट करते रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं अक्षय देवी बिहारी चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लोजपा का हर एक अपडेट खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर आएगी। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।